आज हमारे बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात मैं करती हूं। सरकार ने एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये हमारा रखा हुआ है, 3 साल के लिए रखा हुआ है। मैं कहती हूं क्या प्रॉब्लम है सरकार को कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके जरिए बच्चे जो हैं अपना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फिक्स होता है वो हर साल अगर इनका हो जाए तो उसके अंदर सारे के सारे बच्चे भाग ले पाएंगे। 3 साल की जो अवधि होती है उस अवधि के अंदर जो 3 साल जो पीछे रह गए या कुछ कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे लाखों बच्चों ने जो है टेस्ट दिए हैं और वो नहीं दे पाए तो वो 3 साल तक जो है वो क्या करेंगे? उनको उनके लिए वो तो बेचारे बेकार रह गए और हरियाणा सरकार की कोई भी नौकरियों के अंदर जो है उनका प्रावधान नहीं हो पाएगा। तो मेरा अनुरोध सरकार से ये है कि ये बच्चों के फायदे के लिए, आज हमारा प्रदेश जो है बेरोजगारी की दर से जो है जूझ रहा है, हमारे नौजवान लड़के जो हैं वो हताश हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरी नहीं मिलने का कारण जो के बाद क्या होता है कि शादियां नहीं होती हैं बेचारों की। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरा समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है जरूर संज्ञान लीजिए, ये बहुत जरूरी बात है। साथ की साथ अध्यक्ष